जी इलाहाबादी चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, सामने ब्रेड लगा हुआ है, मतलब ये पकौड़ा बनकर तैयार हो चुका है या चैलेंज के लिए इस समय तैयार है। और सामने रखा हुआ है छेने वाला रसगुल्ला, मतलब आज जो चैलेंज लगने वाला है ब्रेड पकौड़ा और छेने का रसगुल्ला का चैलेंज लगेगा। तो आइए पूछते हैं पहुंच जी से कैसे लगेगा। अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर ब्रेड पकौड़ा और रसगुल्ला रखा हुआ है। आज हमारा ब्रेड पकौड़ा और रसगुल्ले का चैलेंज है और एक मिनट में 3 ब्रेड पकौड़ा और खाना है, उसके बाद 1 रसगुल्ला खाना है। और जो 1 रसगुल्ला 3 ब्रेड पकौड़ा के साथ ख़त्म कर लेगा उसको मिलेगा 500 रुपये पुरस्कार। तो देखते हैं इस चैलेंज में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं और कौन इनाम की राशि लेकर जाते हैं। अगर जैसे कोई 3 ब्रेड पकौड़ा और 1 रसगुल्ला नहीं समाप्त कर पाएगा तो जो सबसे ज़्यादा खाए रहेगा उसको इनाम की राशि मिलेगी। पहले चैलेंजर के रूप में आई हुई हैं, एक मिनट में आपको 3 ब्रेड पकौड़ा खाना है, 1 रसगुल्ला खाना है, तो आप 500 रुपये पाएंगी। तो चलिए देर मत करिए, टाइमर चालू कर दीजिए। शुरू हो जाइए जी, चालू हो जाइए बहुत जल्दी जल्दी। कोई हंसेगा नहीं? हाँ, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, मस्त हो रहा है, बहुत गजब। 500 रुपये ले जाने के फिराक में हैं अभी, 10 सेकंड ही हुआ है, बहुत बढ़िया। खाते रहिए सोस और पानी भी ले सकते हैं, पानी भी रखा हुआ 2 गिलास में। 6, 7, 8, 9, 10 बिल्कुल टाइम के हिसाब से खा रहे हैं अभी, 20 सेकंड हुआ है, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। पानी भी पी सकते हैं, पानी पी सकते हो, रखा हुआ है पानी वहाँ पे, खाते रहिए। जी साथ में पकड़े हैं उसके उस तरफ, जल्दी से खाइए, नहीं तो हमको लगता नहीं है कि रसगुल्ला खा पाएंगे। आराम आराम से अपने हिसाब से खाएंगे। पानी है आपके बगल में? पानी है, चलिए 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 चलिए, ये खाएंगी 1.5 पकौड़ा, 1.5 ब्रेड पकौड़ा हमको लगता है खा लेंगे। पवन जी, हाँ, 1.5 ब्रेड पकौड़ा समाप्त कर लिए, लेकिन हौसले ध्यान बहुत बढ़िया यार। और ये देखिए यहाँ पर ताली, और चैलेंज में आए, हौसला दिखाए, इनका धन्यवाद करते हैं। और देखते हैं इनके पूरा 3 ब्रेड पकौड़ा समाप्त करके 1 रसगुल्ला खा के 500 रुपये की राशि कौन लेकर जाता है। तो अगले चैलेंजर के रूप में आंटी जी आ गए हैं और शुरू भी हो गए हैं, शुरू हो जाइए बस। चालू हो चुके हैं, टाइमर चालू हो चुका है, देखिए कहाँ तक पहुँचाते हैं, 1.5 से ज़्यादा जाएंगे कि एक। अगर आंटी जी 2 भी खा लेंगे तब भी इनको 500 रुपये की राशि मिल जाएगी। आंटी जी के लिए 1 ब्रेड पकौड़े की डिस्काउंट है, मतलब 2 ब्रेड पकौड़ा खाएंगे तब भी आपको 500 रुपये मिलेगा। खाइए खाइए, पानी भी है साथ में, छोड़ो उसको, हटो इसको, हटो यार पिला रहा है। सभी लोग रोड छोड़ के इधर साइड में आ जाइए ना, बहुत बढ़िया। हमको नहीं लगता 2 ब्रेड पकौड़ा खत्म कर पाएंगे आंटी जी, लेकिन आंटी जी हौसला दिखा रहे हैं, इनका धन्यवाद कर रहे हैं। अभी 1 ब्रेड पकौड़ा में समय लगाए हुए हैं, चलिए ठीक है, जैसे कर रहे हैं सही कर रहे हैं। एक ब्रेड पकौड़ा पूरा समाप्त हो गया, खाइए खाइए खाइए, खाली समय समाप्त हो गया, समय समाप्त हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आंटी जी ने हौसला दिखाया, ये ले जाइए आराम से, ये लो। 3 ब्रेड पकौड़ा खा करके 1 रसगुल्ला फिनिश करके क्या 500 रुपये की राशि ले जा पाएंगे या नहीं? तो अंकल, तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आप अपना नाम बता दीजिए। ओम प्रकाश जी। तो ओम प्रकाश जी आ चुके हैं, तो एक बार फिर आपको बता देना चाहते हैं कि 1 मिनट में 3 ब्रेड और 1 रसगुल्ला समाप्त करना है, 500 रुपये लेके जाना है। तो समय विलम्ब न करते हुए टाइमर चालू कर दिया जाए, टाइमर चालू हो चुका है। और ब्रेड तोड़ के मत खाइए, खाइए नहीं खाइए, तोड़ जैसे के इच्छा हो ऐसे खाएंगे यार, मत करो, खाने दो खाने दो, बहुत बढ़िया मज़ेदार ब्रेड है ना, मजा ले रहे हैं ब्रेड का, ये देखिए। और ट्रिक नहीं समझ पाए अंकल भी, बहुत बढ़िया, समझ नहीं पाए कि कैसे खाना है, बस ये, अगर कोई ट्रिक समझ नाश्ता करना है बस, अगर अमेजिंग इलाहाबादी चैनल देखता होगा तो वो तुरंत खा जाएगा। हमको नहीं लगता कि उसको 1 मिनट लगेगा, 40 सेकंड में सारा चैलेंज समाप्त करके पैसे भी लेके चला जाएगा। 40 सेकंड का ही है, हाँ, लेकिन उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन 1 मिनट से पहले ही अंकल जी हार मान लिए है, तो खाइए आप, खा सकते हैं अगर जितना खा सकते हैं। तो अंकल जी आए, अंकल जी का धन्यवाद करते हैं और देखते हैं कौन से चैलेंजर आते हैं जो चैलेंज को समाप्त करके इनाम की राशि लेकर जाते हैं। जैसे कि देख रहे हैं, जब चैलेंज समाप्त हो जाता है तो जो प्रोडक्ट बचा रहता है बच्चों में बांट दिया जाता है, और यहाँ पर बच्चों में बांटा जा रहा है
सब आज थोड़ा सा टेक्निकल कमी की वजह से चैलेंज पूरा नहीं हो पाया, तो जो प्रोडक्ट बचा है वो बच्चों में बांटा जा रहा है। और ये देखिए सभी बच्चे लाइन लगा कर ले रहे हैं।